हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सीरीज में देखिएगा रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हमने पढ़ाया, पहले से पढ़ा हुआ है, एक बार इसको रिवाइज करें, समझें और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखें। सबसे पहले हम समझते हैं एक बार जस्ट ब्रीफ रीकैप कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए अगर न्यूट्रल एटम होता है तो जो सम ऑफ एटम्स ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं उनको हम जीरो मानते हैं, और जब हम आयंस के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर्स जो कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स को उसके ऊपर जो चार्ज है उससे इक्वेट करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, कुछ न्यूट्रल एटम्स के हैं और कुछ आयंस के हैं। तो वन बाय वन विल बी सॉल्विंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड। हियर सल्फर इज द अंडरलाइंड एलिमेंट। आई सेड हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस वन। दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन, सो प्लस वन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज टू। प्लस बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट फॉर सल्फर, आई विल अज्यूम लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बी एक्स। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सो प्लस वन फॉर हाइड्रोजन, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो प्लस वन इंटू टू प्लस एक्स, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसको किससे इक्वेट किया, जीरो से। सो टू प्लस एक्स इज जीरो, so therefore x is equal to minus 2, so the sulfur is in the oxidation state as oxidation state of sulfur in hydrogen sulfide is minus 2। same way वैसे आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन प्लस 1, सल्फाइड हैज ई वैलेंसी ऑफ सल्फर, इन केस ऑफ सल्फाइड हैज ई वैलेंसी माइनस 2, सो the oxidation state of sulfur in hydrogen sulfide is minus 2. Simple valency से भी निकाल सकते थे। दूसरा, phosphorus in phosphine. Again, I'll assume the oxidation state of phosphorus be x. So, plus x plus hydrogen again is combined with a more electronegative element. So, hydrogen would be plus 1. So, plus 1. How many atoms? 3. So, into 3 is equal to 0. So, plus x plus 3 is 0, so plus x is equal to minus 3, so oxidation state of phosphorus is minus 3. Carbon dioxide, so carbon and carbon dioxide, again the oxidation state for carbon is assumed to be x, so plus x, oxide hai oxygen, ऑक्साइड के फॉर्म में, तो हमने पढ़ा था रूल्स में कि ऑक्साइड के फॉर्म में जब ऑक्सीजन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होती है। दो एटम है हाइड्रो ऑक्साइड के, तो हम इसको लिखेंगे माइनस टू इंटू टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि न्यूट्रल एटम है इसलिए जीरो, सो प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, सो कार्बन इज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस फोर। नेक्स्ट, कार्बन इन CH2Cl2, अगेन कार्बन प्लस वन, सॉरी कार्बन प्लस एक्स, हाइड्रोजन प्लस वन इंटू टू प्लस क्लोरीन, क्लोराइड के फॉर्म में होता है माइनस वन, सो माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू जीरो, प्लस एक्स प्लस टू प्लस माइनस टू, प्लस टू माइनस टू जीरो, सो एक्स हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीरो। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 प्लस माइनस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2, देखिए ऐसा, x प्लस 2 प्लस माइनस 2 0, प्लस 2 माइनस 2 इज कैंसल्ड, सो x इज इक्वल्स टू 0। नाउ कम्स अमोनियम सल्फेट, सो हाउ विल वी कैलकुलेट दिस, अगेन नाइट्रोजन प्लस x, हाउ मेनी नाइट्रोजन, 2, सो प्लस x इंटू 2 इज 2x, प्लस हाइड्रोजन प्लस वन, तो चार है ऑलरेडी और होल मल्टीप्लाइड बाय टू है, सो टू इंटू वन इंटू फोर, ये बाहर टू था तो टू एक्स प्लस वन इंटू फोर, हाइड्रोजन प्लस वन, फोर एटम्स सो इंटू फोर और टू से मल्टीप्लाइड, सल्फेट हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ माइनस टू।
need to learn anions hote hain, sulfate anion is minus 2, so it's equal to 0, so 2x plus 8 minus 2, 0, 2x, 8 minus 2 is 6, 2x को इक्वेट किया उस तरफ गया, प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस 6, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 3. सो अमोनियम सल्फेट में वैल्यू फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज माइनस 3. नाउ नाइट्रेट, अगेन नाइट्रोजन प्लस 6. अब एनायन है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गए हमारे एनायंस या आयंस, आगे हम पढ़ेंगे. तो यहाँ माइनस 1 है, तो अब आप जीरो से इक्वेट नहीं करोगे, किससे करोगे, इसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है इससे इक्वेट करोगे. तो यहाँ पर नाइट्रोजन है प्लस 6, प्लस ऑक्सीजन अगेन ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो माइनस 2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो माइनस 2 इंटू 3 इक्वेट किया किससे, माइनस 1 से, फिर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1, सो x इज इक्वल्स टू प्लस 6 उधर चला जाएगा, माइनस 1 प्लस 6 इज प्लस 5. तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, प्लस 5. देन CLO4 नेगेटिव, अगेन क्लोरीन प्लस x प्लस, अब तो आपको पता है ऑक्सीजन माइनस 2 होता है, इनटू 4 माइनस 1, सो प्लस x माइनस 8 माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 1 प्लस 8 दैट इज प्लस 7. सो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7. नाउ कार्बन, कार्बोनेट आयन, अगेन कार्बन प्लस x प्लस माइनस 2 इंटू 3 इक्वेट किया माइनस 2 से, क्योंकि चार्ज जो था आयन के ऊपर माइनस 2 था, तो 0 से नहीं करके किससे इक्वेट करेंगे, माइनस 2 से. सो प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 2, प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस 6 उधर चला जाएगा, प्लस 6, सो माइनस 2 प्लस 6 इज प्लस 4. सो कार्बन, कार्बोनेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई प्लस 4. देन कम्स परमैंगनेट आयन, प्लस x प्लस अगेन O इज माइनस 2, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वेटिंग टू माइनस 1, प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1, सो प्लस x इज इक्वल टू प्लस 7. दैट वॉज प्रिटी क्विक. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. This is hexacyanoferric ion. So here FeCN6, whole 4 negative. अब यहाँ पर iron plus x, cyanide की जो valency होती है वो minus 1 होती है. So plus minus 1 into 6 is equal to minus 4. X minus 6 is equal to minus 4. So x comes equals to plus 2. So here iron is in plus 2 oxidation state. That is, iron is in the ferrous form. Agar plus 3 hota, to iron ferric form mein hota. So this is hexacyanoferrate 2 ion. This is a coordination compound. You'll be studying that in class 12th in coordination compounds. Now sulfuric acid, very very common. Do tarike se pooch sakte hain. सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में या फिर सल्फेट आयन के फॉर्म में. सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू 2, दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 है, तो प्लस 1 इंटू 2. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस x, ऑक्सीजन माइनस 2 इंटू 4, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल है, इसीलिए इक्वेट किया 0 से. सो 2 प्लस x, सॉरी माइनस 8 इज 0, सो 2 प्लस x माइनस 8, सो माइनस 6, सो प्लस x इज इक्वल्स टू प्लस 6. सल्फर इज इन प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट. लास्ट KCLO3, पोटेशियम एल्केली मेटल. एल्केली मेटल्स का ग्रुप 1, ग्रुप नंबर है 1, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है प्लस 1. सो प्लस 1 क्लोरीन, क्योंकि निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए x, प्लस कार्बन ऑक्सीजन है माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0. सो प्लस 1 प्लस x माइनस 6 इज 0, तो प्लस 1 और माइनस 6 कितना हुआ, माइनस 5, तो प्लस x जो हो गया वो हो गया प्लस 5. तो क्लोरीन इन केस ऑफ KCLO3 इज प्लस 5. सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हैं, सीबीएसई रिफ्रेशर्स में हैं,
यही स्टेप्स फॉलो करके आप न्यूट्रल और आयनिक कंपाउंड्स के लिए आयंस जो होते हैं उनके लिए निकाल सकते हैं पॉलीटॉमिक आयंस के केस में। इसके बाद हम आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द कंपाउंड्स विच कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड कुछ स्ट्रक्चर्स के बेस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। सो विल स्टडी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।